हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में। तो आज की वीडियो आपका यूपीपी जेल वाटर फायरमैन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, आपकी आंसर की कल की आ गई है, रिलीज हो चुकी है। उसके साथ साथ आपके जो ये भी डाउट था कि आपको कैसे आपकी आपत्ति दर्ज करनी है, आपको कौन से क्वेश्चन पर कैसे, ये भी बात करेंगे। उसके साथ साथ आपकी कब तक आपकी ऑफिशियल कट ऑफ आ जाएगी, और उसके साथ साथ आपके कब तक फिजिकल और सब कब तक आपके जो है फाइनल जो है रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, इन सारे टॉपिक को एक एक साथ बात करेंगे। उसके साथ साथ अखबार की कटिंग भी आपको दिखाऊंगा, जो आपकी लाइव हिंदुस्तान या फिर जो भी आपके न्यूज़पेपर्स में आए हुए हैं उनकी बात करेंगे। तो इससे पहले मैं बता दूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बात करें, जैसा कि मैंने आपको कट ऑफ को लेकर भी डाउट होगा, तो कट ऑफ की वीडियो मैं कल का ही बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर जाके दे सकते हैं। जेल वार्डर और फायरमैन का मैं जो है सेपरेट वीडियो जो है, जैसा कि आपको भी पता है, जेल वार्डर और फायरमैन की अलग अलग कट ऑफ बनेगी, तो उसकी कट ऑफ की वीडियो मैं बना चुका हूं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर वो वीडियो देखें। मैं वो कट ऑफ की वीडियो पूरी एनालिसिस के साथ आपको वीडियो दिया हूँ। जैसा कि कुछ लोगों ने उसको ज़्यादा बताया तथा कुछ लोगों ने जो है उसको कम बताया तथा कुछ लोगों ने बोला कि जो है आपका कट ऑफ एनालिसिस बहुत ही बिल्कुल ही सटीक जो है आपका कट ऑफ है। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि बहुत ही आपने वर्स्ट कट ऑफ बना है, क्योंकि उन्होंने उनको जो है कट ऑफ ज़्यादा लगा। जिनको जो है कम लगा तो उन्होंने बोला कि नहीं, 200 प्लस तो गर्ल्स का जो है कट ऑफ होना चाहिए, गर्ल्स का कमेंट भी आया था। उसके साथ साथ मैंने कई यूट्यूब चैनल को भी देखा, मेरा कहीं भी आपको ये आपको खुश करने का नहीं कि मैं आपको खुश करने के लिए 75 बता दूं, 70 बता दूं। जैसा कि मैं किसी एक बड़े यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूं, उनकी कमेंट्स को मैं पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि एक भाई दोस्त हमारा कमेंट किया था कि सर जो है आप जो है मेरा मान लीजिए 75 है, 70 है, मैं SC से हूँ या ST से हूँ, तो मेरा कट ऑफ हो जाएगा। तो उन्होंने रिप्लाई क्या दिया था, रिप्लाई दिया था भाई वीडियो देखो आप खुश हो जाओगे। तो उन्होंने केवल आपको खुश करने के लिए कि आप खुश हो जाएं, वीडियो को लाइक करें या फिर जो है उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं थोड़ा कट ऑफ जो है अपना सटीक एनालिसिस के साथ बनाया, तो लोगों को गलत लगा, ज़्यादा लगा तो उन्होंने वीडियो को डिसलाइक किया, या फिर कुछ लोगों को अच्छा लगा उन्होंने लाइक भी किया। ऐसा भी नहीं है केवल डिसलाइक ही किया, लेकिन मेरा कहीं भी आपको ये गुमराह करने की जो नहीं है कि मैं आपको केवल 60 बता दूँ, 70 बता दूँ और आपको जो है चैनल सब्सक्राइब करने को और लाइक करने के लिए बोलूँ, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप जरूर कट ऑफ की वीडियो देखें, आपकी क्या राय है उस पर जरूर बताएं। चलिए आपको जो है आंसर के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपके भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे आ चुका हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 22/12/2020 को जेल वार्डर फायरमैन घुड़सवार पुलिस और महिला अभ्यर्थियों के जेल वार्डर घुड़सवार पुलिस आरक्षी पुलिस पर भर्ती 2016 के अंतर्गत 19/12 तथा 20/12 को जो आपकी दो पालियों में संपन्न ऑफलाइन परीक्षा के प्रश्नों के आंसर की उत्तर कुंजी के संबंध में ऑनलाइन आपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं उसमें आपके विभिन्न जो है आपके जो है आंसर की दिए जा चुके हैं, आप जरूर आंसर की से अपने मिलाए। हो सकता है किसी लोग किस लड़कों के जो कुछ भाइयों बंधुओं के हमारे दो तीन क्वेश्चन बढ़ जाएंगे या फिर किसी के दो एक क्वेश्चन जो है घट जाएंगे, और कुछ लोगों के ये भी मन में डाउट होगा कि ये क्वेश्चन गलत है, इस पे FM मिलना चाहिए या फिर इसका आंसर जो है ऑप्शन सी ना होके बी होगा, बी हो ना होके सी होगा। तो उनके लिए मेरा यही जवाब है कि वो कहेंगे कि मैं कैसे करूँ, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपने जो भी क्वेश्चन है सीरीज के साथ बताएं, तथा जो लोग उस शिफ्ट में है उस क्वेश्चन को देखें, क्योंकि कभी कभी होता है ये है कि हम खुद गलत होते हैं लेकिन लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, और कोई हमें जब बताता है अंदर की बात तो मालूम चलता है हाँ यार। जैसे कि एक हिंदी का क्वेश्चन था, जैसे क्या नाम है 19 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में है पे जो है लास्ट में आपका बिंदी केवल दिया था, तो है नहीं होता, केवल है होता है। तो इस प्रकार के जो है COD में लोगों को लगा कि COD जो है ऑप्शन एक ही है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो है आपकी माइनर डिफेक्ट ही होते हैं, जिसको जो है लेकर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि दोनों ऑप्शन सही कैसे दे सकता है, एक ऑप्शन जरूर गलत होता है, तो इस पे FM में तो इन चीज़ों को जो है आप अपने में पहले डिस्कस कर लीजिए, फिर लगेगा कि आपको इन क्वेश्चन पे FM की ज़रूरत है, तो फिर आप जो है उसके लिए जो है आप अपना ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करें। इसके लिए आपको कैसे क्या करना है उसके लिए भी मैं दिखा देता हूं। जैसा कि आपको नीचे ऑनलाइन आपत्ति हेतु लिंक आपको देख पा रहा होगा, घेरे में आपका बनाया हुआ है, वहां आप जब उस पर टाइप करेंगे, आप उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आपको इस टाइप का कुछ दिखेगा आपको बार जिसपे आपको ये चीज़ें भरनी है, तो इस प्रकार का आपको जब लिंक पर टाइप करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर जो भी आपकी यदि जेल वार्डर से हैं तो आपको पहले आपको जेल लिख के आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, उसके साथ यदि अपने फायरमैन से भरा है तो आपको F करके भरना है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, उसके बाद आपके कैप्चा जो दिए हुए सही सही करने के बाद जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको जो है पेज दिख जाएगा। उसके बाद आपको करना यह है कि मान लीजिए जो आपके सीरीज है उसके साथ साथ आपके जो क्वेश्चन नंबर पर आपको डाउट है या फिर आपको आपत्ति दर्ज करनी है वो क्वेश्चन टाइप करेंगे, उसके साथ साथ यदि मैथ का क्वेश्चन है तो आप
हाथ से ही हल कर लेंगे, या फिर आपके जीएस के क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन है, तो आप किसी बुक की जो है स्क्रीनशॉट लेकर उस साइज में आप करने के बाद वहां से चीजों को अपलोड करना होगा, और जो आपको उसमें जो आपको लिखना होगा वो लिखने के बाद जब आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो है आपत्ति दर्ज कर ली जाएगी। तो इस प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट लगे तो जरूर आप आपत्ति दर्ज करें, क्योंकि यदि 2-4 FM भी मिल जाएगा तो आपके लिए काफी जो है इंक्रीज हो जाएंगे आपके नंबर, या फिर 2 मिल जाएगा तो यानी आपके 4 नंबर मिल जाएंगे, यदि आपने उन्हें उसके नेगेटिव भी कट रहे होंगे तो वो भी आपको फायदा मिलेगा। तो आप जरूर थोड़ा भी किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो जरूर आप FM के लिए जो अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। अब चलिए अब आपकी आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि आपके रिजल्ट फाइनल कब तक आ जाएंगे, फाइनल कट ऑफ कब तक आ जाएंगे, आपके फिजिकल कब तक हो जाएंगे, तो इन सारी चीजों को तथ्यों के साथ बात करेंगे। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन, आपका अगला डाउट लेते हैं। तो जैसा कि आपका अगले डाउट हल करने से पहले आप देख सकते हैं अमर उजाला जो है आपका जो है ई पेपर है, देख पा रहे होंगे जैसा कि आपका दिया है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आपको क्या इन चीजों से क्या आपको निकलती है उन चीजों पर भी बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यूपी जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार भर्ती का परिणाम जनवरी के अंत तक, जैसा कि इन्होंने जनवरी के अंत तक आपके जो है परिणाम देने की बात की है, तो 4 साल से अटकी जेल वार्डन फायरमैन और घुड़सवार पुलिस भर्ती का परिणाम जनवरी के अंत तक आ जाएगा। इसके ठीक बाद जो है दौड़ कराई जाएगी और फिर अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो आपको मन में ये भी डाउट होगा कि जो आपके फिजिकल के लिए समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ कट ऑफ क्या जाएगी, तो उसको मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आपको कुछ डाउट होंगे उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये पूरी चीज़ पढ़ के सुना देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं भर्ती एवं पुनति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा जी ने बताया कि भर्ती बोर्ड का लक्ष्य जनवरी में परिणाम घोषित कर फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में दौड़ करा दी जाए। उनका कहना है कि इस भर्ती प्रक्रिया में पहले से ही काफी विलंब हो चुकी है, ऐसे में अब जल्द से जल्द परिणाम घोषित कर नौकरी देने की कवायद की जा रही है। उन्होंने बताया कि फरवरी के अंत तक सभी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए पुलिस मुख्यालय को सभी जरूरी दस्तावेज भेज दिया जाएगा। बता दें कि जेल वार्डर के 3638 पद और फायरमैन के जैसा कि आपको पता है 2065 पद और घुड़सवार के 102 और के लिए पद के लिए आपके जो है एग्जाम कराया गया था। तो आपके मन में यह भी डाउट होगा कि हमें फिजिकल करनी चाहिए, फिजिकल के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मेरा यही जवाब है कि फिजिकल के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। मैंने जो भी कट ऑफ बताया, हो सकता है मैं 95% सही हूँ, 5% मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो मेरा यही मानना है कि जो भी कट ऑफ से 5 से 10 नंबर जो है इधर उधर भी हैं, तो अपना फिजिकल जरूर थोड़ा बहुत अपना स्टार्ट कर दें, उसके साथ साथ आप अगले एग्जाम जैसे आपके ग्रुप डी या फिर आने वाले जीडी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको पूरी जो है आपकी स्ट्रेटजी जरूर बताऊंगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको जल्द जैसा कि आप देख सकते हैं 19 और 20 दिसंबर को जो है एग्जाम कराया गया, 22 को आंसर किया गया, और आपको 29 तक जैसा कि पता है कि जो है ऑनलाइन आपत्तियाँ लेने के लिए बोला गया है। तो जल्दी आपको जो है फाइनल आंसर की के बाद आपको तुरंत आपको लगभग मिड जनवरी या जनवरी लास्ट तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको जो है फरवरी मिड या फिर फरवरी लास्ट तक आपको जरूर आपका फिजिकल वगैरह करा के मार्च मिड तक आपके सारे जो है प्रोसेस कर लिए जाएंगे। हो सकता है आपको ट्रेनिंग में भले ही लेट हो, लेकिन आपको जो है रिजल्ट का फाइनल जो है मार्च के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आपने पेपर की कटिंग में भी देखा। तो मैं थोड़ा जो है चीज़ों को एक्स्ट्रा लेकर बताया, नाम लाइसेंस को लेकर भी डाउट था तो नाम लाइसेंस को लेकर भी मैं आपके कट ऑफ वाली वीडियो में बता चुका हूँ, आप जरूर वो वीडियो देखें, यही बताना था वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।